एक निर्वासित तिब्बती तेंजिन कोनचोक ने दलाई लामा के मानहानिकारक कवरेज के लिए कुछ एक मीडिया के खिलाफ एकल साइकिल सवारी अभियान शुरू किया हुआ है। कोनचोक के आज मैक्लोडगंज आगमन पर तिब्बती कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कोनचोक ने करीब 10 दिन पहले दिल्ली से अपनी सवारी शुरू की और आज यहां मैक्लोडगंज पहुंचा। तेंजिन कोनचोक तिब्बती धर्मगुरु की सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो का भी विरोध कर रहे हैं और लोगों को भी इस वीडियो के सही ना होने की जानकारी दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेंजिन ने कहा, मैंने ये साइकिल राइड कैंपेन लोगों को जागरूक करने के लिए किया था कि कुछ एक मीडिया ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के एक छोटे से वीडियो क्लिप की गलत व्याख्या करके लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि वो दुनिया भर के सभी तिब्बतियों के लिए सबसे सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं और अपमानजनक टिप्पणियां हम सभी के लिए चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने दिल्ली से धर्मशाला तक साइकिल की सवारी शुरू करने का फैसला किया और मैंने लोगों को इस घटना के बारे में जागरूक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कुछ एक शरारती तत्वों द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके उनकी छवि को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा नाम तेंजिन कोनचोक है सर। मेरा इस रैली में पार्टिसिपेट करने का अहम मुद्दा यह है कि मीडिया के द्वारा बिना किसी चीज के तह को जाने फेक एलिगेशन लगा के करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ उन्होंने खेला है। किसी चीज का तत्व को पहले जाने तब जाके किसी को बोले। ये हमारे ही केवल नहीं, तिब्बत के ही केवल नहीं, जितने भी पूरे विश्व में बुद्धिस्ट लोग हैं उन सब के सबसे बड़े गुरु हैं जिन्होंने 87 साल नेकी और पीस और कंपैशन में त्यागे हैं। उनके खिलाफ ऐसा बोलना ही बहुत ही बड़ा हमारे लिए शॉकिंग है। हमें समझ नहीं आ रहा था। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी के साथ झगड़ाना या कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी तरफ से जितने मेरे भाइयों को जानकारी नहीं है रास्ते में, उन सबको सही जानकारी देना था, ताकि किसी फेक चीज को, किसी फेक मीडिया के द्वारा दिए गए, किसी बिना तत्व को जाने किसी चीज को बोले हुए को इन्फ्लुएंस ना हो। मेरे जितने हिंदुस्तानी यहाँ के भाई बहन हैं, उन सबको मैंने सही जानकारी देने का कोशिश किया है। यदि मैं 1000 से मिला हूँ, अगर मैंने एक कभी सोच को बदला है, तो मैं अपने जीवन काल में मैं अपने आप को सक्सेस मानता हूँ। धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।